आपने कभी फ्री फायर के अंदर जिपलाइन को ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं ना। या फिर एयरशिप के बीच से अंदर जाना हो, या फिर किसी चेयर के अंदर लीट जाना हो, आज सब कुछ देखने वाले हो, बहुत ही अमेजिंग चीजें। चलो यार, इसी बात पे एक लाइक कर देना और अगर नए तो सब्सक्राइब करना अभी से ही। चलो दिखाता हूँ गाइस। ओके, सबसे पहला मैजिकल ट्रिक होने वाला है गाइस एक कैरेक्टर को लेके। तो चलो सेंटोनियो को ऐड कर लेना एंड स्टार्ट कर लेना अपने साथ एक नया जॉम्बी मोड। देखो ये जॉम्बी मोड स्टार्ट कर लेना, कोई सा भी नॉर्मल हार्ट जैसा चाहो वैसे कर लेना। अब तुम्हें पता होगा इसके अंदर 5-6 राउंड तो होते हैं, सब में अलग अलग मैप्स आते हैं ना। ओके, अब क्या करना है तुमको, देखो सबसे पहले राउंड में फाइट करना है एंड फाइट करने के बाद वेट करना तुमको सक्सेसफुली बूया होने के लिए। एंड ये देखो हमारा हो चुका है एंड जस्ट थोड़ा वेट। अभी यहाँ पर जैसे टाइमर 2 सेकंड शो करेगा ना, उसी टाइम पे अपने सेंटेनियो को यूज कर देना और तुम पहुंच जाओगे इसके नेक्स्ट राउंड पे। अब यहाँ पे आने के बाद फटाक से जो भी एबिलिटी अपना यूज कर लेना और सेंटेनियो को यूज कर देना। एंड देन गाइस, हमारे जो फ्रेंड थे वो ऊपर पे फाइट कर रहे हैं और हम आ चुके हैं दूसरे वाले रूम के अंदर जहाँ पे हम पहले फाइट कर रहे थे। अबे यार, मुझे तो लेकर जाओ वहां पर, मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए। अब देखो यार, इससे फायदे क्या होने वाले, जो तुम्हारे फ्रेंड है ना ऊपर फाइट करेंगे, जॉम्बी भी बहुत सारे ऊपर आएंगे, बट वो लोग मर सकते हैं लेकिन तुम नहीं मर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जॉम्बी आएंगे नहीं। तुम एक खाली रूम पे बस ऐसे ही बैठे वाले और लिख ले लो, हमेशा ही जीतने वाले तुम ही हो भैया। तो अबे यार, एक जॉम्बी कहां से भटक के आ गया है? इसके अंदर जॉम्बी तो नहीं आते थे, ये कहां से आ रहे? हाँ लेकिन चलो ठीक है, एक दो आएंगे मार लेना उसे। पता नहीं यार बेचारे कहाँ से भटक भटक के आ जाते हैं, बट ज्यादा नहीं 2-4 ही आएंगे और ऊपर में तो बहुत सारे आने वाले। बट उससे भी बड़ी बात यार, बंदे तो ऊपर काफी ज्यादा शौक होने वाले हैं ना कि भाई वो नीचे कैसे रह गया, वो तो हमारे साथ आया ही नहीं। और अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ में खेलोगे तब तो भाई और भी ज्यादा शौक होने वाले। यार चलो ठीक है, ट्राई कर लेना, और भी दिखाता हूँ अभी। ये गेम का एयरशिप जो कि पहले था एंड इस बार फिर से ऐड हुआ है, चलो यार एक तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम जब भी इसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करेंगे ना, ये अपने आप को धक्का मार के तुम्हें नीचे फेंक देगा। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारा कोई भी जॉयस्टिक वॉयस्टिक बटन कुछ भी कंट्रोल काम नहीं करता, तुम सीधे इसके नीचे ही जाने वाले हो। ओके चलो मैं बताता हूँ इस एयरशिप के ऊपर कैसे सरवाइव करना है, तुम कितनी देर भी रह सकते हो। सबसे पहले हमने फिर से एक मैच को स्टार्ट कर लिया एंड तुम्हें सेटिंग में जाना है और नीचे आओगे तो हमें एक रन मोड ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। इससे क्लासिक से ना सीधा मिक्स पे कर देना एंड देन उस एयरशिप के ऊपर लैंड करना। एंड अब देखो गाइस, तुम जब जॉयस्टिक से आगे करोगे तुम्हारा रन मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड कुछ भी काम नहीं करेगा, बट तुम्हारा जॉयस्टिक वाला रन मोड है ना वो फुल्ली वर्क करने वाला है और इसकी वजह से तुम इस एयरशिप के ऊपर जितना मर्जी चाहे उतनी देर तक रह सकते हो। बट याद रखना, तुम्हारा ग्रेट हमेशा रन करता ही रहना चाहिए, अगर तुमने थोड़ी सी भी रुकी ना तो सीधे इसके नीचे चले जाओगे। और अगर तुम लोग देखो तो थोड़ी देर बाद ना ये जो एयरशिप है ना अपनी लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह पे जाएगा, बट अभी भी हम इसके ऊपर ही रन कर रहे हैं। लेकिन गाइस याद रखना, तुम्हें हमेशा रन करता ही रहना इधर उधर घूम घूम के, वरना नीचे गिर जाओगे। और अभी तुम लोग देखो यहाँ पर भाई, जिस साइड से जा रहा है ना मैं उस साइड पे रन कर रहा हूँ, तो क्या स्लो मोशन पे रन कर रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। लेकिन हाँ, दूसरी साइड पे जाऊंगा तो ये काफी ज्यादा स्पीड हो जाएगा एंड इस साइड पे जाऊंगा तो भाई ऐसा लगे जैसे मैं स्लो मोशन में भाग रहा हूँ भाई, बहुत ही मस्त है। बट इससे भी मस्त अभी और चीज देखो, अब मुझे लग रहा है यार इसके अंदर जाना है मुझे। कैसे जाओगे? कुछ भी नहीं गाइस, बस क्या करना है तुमको, जो अपना मैप है ना उसे ओपन कर लेना एक बार, जैसे उस पर क्लिक करोगे सीधा इसके नीचे। हाँ, अब ये मत सोच लेना कि जब हम ऊपर से लैंड करते हैं उसी टाइम पे इस ट्रिक को ट्राई करेंगे तो वर्क कर जाएगा, लेकिन नहीं यार इस टाइम पे काम नहीं करता है। तुम सीधा रन करेगा, मतलब ये पैराशूट जो होता है ना ये रन कर रहा होगा, उस टाइम पे जब मैप ओपन करोगे तो पता नहीं क्या होता है ए, अंदर चले जाता भाई फाड़ ओढ़ के। चलो ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार। ओके, फ्री फायर का न्यू पिक, शायद तुमने इसे पूरी तरह से घूम लिया होगा, देख लिया होगा। चलो एक और सीक्रेट मैं मस्त चीज दिखाता हूँ, शायद देखो बहुत सारे प्लेयर को शायद पता होगा लेकिन काफी सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जिसे नहीं भी पता होगा। तो देखो यार, जिसको पता होगा मत बोलना भाई, मुझे पता था ये पहले, जो लोग नहीं जानते उसे तो देखने दो। ओके, तो गाइस तुमको याद होगा ना ये नई पिक आया था एडवांस सर्वर के अंदर, तो यहाँ पर बीच में एक बड़ा वाला जॉम्बी था जिसे हमें स्पॉन करना पड़ता, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन इसी के थोड़ा सा आगे जाओगे यार, बंदे बहुत ज्यादा हैं भाई इस जगह पे। हाँ, यहाँ पर एक सोफा देखने को मिलेगा, ये वाला, तुम्हें पता है हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं भाई। ओके, तो चलो इसके सामने चलते हैं एंड तुम्हें देखोगे तो यहाँ पर एक यूज का ऑप्शन आएगा और क्या भौकाली तरीके से बैठ रहा है भाई, देख रहे हो एकदम रईसों वाली फीलिंग। लेकिन हाँ, ज्यादातर बैठे बैठे मत रहना वरना बंदे भाई टोक देंगे। और मुझे ट्राई मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ हमने 2 बंदों को ट्राई किया भाई, 2 प्लेयर यहाँ बैठ सकते हैं। आई थिंक 2 सीट और खाली लग रहा है, तो हो सकता है 2 और बैठ जाए, 4-4 बैठ सकते हैं, बट इसके अंदर बैठने का भी कोई भरोसा है नहीं। हाँ, अगर तुम सीट क्रॉच करके मतलब नीचे बैठते हो ना, लेट के बैठ के और उसके बाद बैठोगे तो नीचे वाले सीट पे बैठोगे, लेकिन अगर खड़े खड़े बैठोगे तो उसके ऊपर वाले सीट पे बैठोगे। पता नहीं यार कैसे कैसे काम करता है यहाँ पर।
तो ये चीज तुम ट्राई करके खुद से देख लेना, बट सच बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मस्त है। चादर बैठना बैठा मत भाई, बंदे तुम्हें तो बैठा के ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर काफी सारे प्लेयर आते हैं तुम्हें पता ही है। हाँ, जस्ट इसके सामने ना एक छोटा सा हिडन प्लेस और भी है, चाहो तो उसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये जो घास वाला ढेर देख रहे हो, मतलब छोटा सा एक बना हुआ है ऐसे, अब अगर तुम इसके ऊपर जंप करने का कोशिश करोगे तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचा है, इतनी दूर जंप कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, दूसरे साइड पे जाओगे ना तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा लूट बॉक्स वाला मिलेगा, ये वाला। अब इसके ऊपर जंप करके तुम इजीली इसके ऊपर जा सकते हो और उसके बाद लेट के ना थोड़े सर्वाइव कर सकते हो। बंदे बंदे तुम्हें देख नहीं पाएंगे, मार भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ऊपर से थोड़ा बच के और बाकी देख लेना तुम। ओके, चलो तुमको एक बेस्ट कैरेक्टर दिखाता हूँ, शायद तो उसकी एबिलिटी देख के ना तुम इसे पक्का ही अपने कैरेक्टर में यूज करने वाले हो। एंड ये है नारी कैरेक्टर, नारी चलो ठीक है, इस कैरेक्टर को ले लेना। अब इसकी एबिलिटी क्या है तुम्हें पता है भाई? शायद तुम्हें पहले पता होगा बट इस बार नहीं पता होगा। ये ग्लोबल से किसी को भी हील करता है, लेकिन उससे भी मस्त तरीका है ये देखो। अभी मेरे पास 100 का हेल्थ है, हमने अपने खुद का ग्लोबल लगाया और उससे हमने डैमेज दिया और मुझे 10 का हेल्थ मिल गया। दूसरी बार में फिर से 10 का, भाई देख रहे हो? मतलब यार तुम अगर क्लासिक मैच खेलोगे, और परमुंडा में काफी बार ऐसा होता है जब हमारे पास कोई मेडिकेट होता नहीं लेकिन ग्लोबल होते हैं, क्योंकि ग्लोबल हमें ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं, तो बस कुछ भी नहीं करना, अपने ग्लोबल को लगा लेना है और उसे डैमेज देना है। जैसे कि यार मैंने देख रही हूँ बिना किसी हीलिंग आइटम के अपने आप को हील कर लिया और ये, अबे यार मैं भी मर गया। ओके, अब के लिए तरीके से तुम लोग एक बार देखो, अभी मेरे पास 100 हेल्थ है ना, हमने एक ग्लोबल को लगाया और जब से मारते हैं तो एक ग्लोबल तुम्हें 40 का HP देगा। दो तीन बार उसे फायर करोगे 20 करके तुम्हें 40 HP देगा। जैसे कि देख सकते हैं 40 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लगाएंगे हम दूसरा ग्लोबल को और इससे भी फायर करेंगे और ये भी हमें 40 HP देगा। एंड 40 हो चुके हैं 80, तीसरे लोग लगाया और ये भी हमें 40 देगा। बट लो गाइस, हमारा 100 120 HP कंप्लीट हो गया ऐसे ही बिना किसी मेडकिट के। और ये ऐसा नहीं है खुद के ग्लोबल को मारेगा तो ही डैमेज मतलब हील होगा, भाई कोई भी ग्लोबल पे डैमेज देगा ना तुम्हारा हील होने वाला ऐसे ही, और तुम्हारे साथ में फ्रेंड हो गया ना उसको भी हील होने वाला है। सोचो यार किसी से कवर लिया, फायर किए और भाई मेडकिट मारने का टाइम नहीं मिला, तो बस ग्लोबल को दो तीन गोली फोड़ दो और हो गया अपना काम। भाई इतनी मस्त कैरेक्टर तुम लोग कैसे छोड़ सकते हो? ऐड करके देखना, देखो ट्राई करके अपने पैसिव स्किल के साथ में। चलो ये है गेम का हमारा नॉर्मल जिप लाइन, जिसे हम यूज करने के बाद सीधे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, सीधी ट्रैवल करता है। एंड हाँ, अगर क्या होगा अगर तुम इसी जिप लाइन का यूज कर रहे हो, ये सामने ले जाने के बजाय सीधे तुमको ऊपर लेके चला जाए, तो तुम लोग भी सोच रहे हो भाई क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बट दिखाता हूँ गाइस, ऐसा ना होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये चीज फ्री फायर मैक्स में वर्क नहीं करता, तुम्हारे पास नॉर्मल फ्री फायर होना चाहिए। सॉरी यार, क्या कर सकता हूँ मैं। तो नॉर्मल फ्री फायर के अंदर तुमको परगेटरी मैप को लगा लेना है, उसके अंदर ना ये जिप लाइन देख रहे हो, ये वाला एयरशिप भाई, इसके अंदर जिसके हम यूज करके जिप लाइन को ऊपर जाते हैं, और यहाँ तो कुछ इसके अलग ही नखरे है रे। ये गरीने वालों ने परगेटरी मैप के अंदर जो भाई ये एयरशिप है ना, इसको 500 मीटर ऊपर रखा हुआ है, और जब तुम जिपलाइन का यूज करोगे ना तो उल्टे होके जिपलाइन ऊपर जाने वाला। गाइस तुम लोग देख सकते हो क्या ओसम है यार ये वाला, लेकिन ये एक ग्लिच है भाई, ग्लिच की वजह से ऐसा हो चुका है। लेकिन ये ग्लिच में ना फ्री फायर के अंदर ही वर्क कर रहा है, हमने मैक्स वैक्स में सबको ट्राई किया बट वहां पर कुछ भी ऐसा है नहीं। तुम्हारे पास अगर नॉर्मल फ्री फायर है, काफी सारे प्लेयर है नॉर्मल फ्री फायर भी प्ले करते हैं, तो अगर उन लोगों के पास ये चीज होगा ना भाई ट्राई करके देखना, लेकिन ये परगेटरी मैप में ही वर्क करता है ये, और कोई मैप लगाओगे तो उसमें काम नहीं करेगा, परगेट मैप होगा उसके अंदर देखना ये ग्लिच देखने को मिलेगा। और ये सच में बहुत ज्यादा ओसम एंड खतरनाक सा है भाई, 500 मीटर ऊपर जा रहे हो तुम जिप लाइन का यूज करके, और नीचे से मैप क्या मस्त लगता है तुम लोग देख रहे हो भाई, क्या बोलो कूल है यार ये वाला। चलो ठीक है, जिसके जिसके पास फ्री फायर नॉर्मल वाला होगा वो लोग एक बार ट्राई करके देखना क्या वर्क कर रहा है या फिर फिक्स हो चुका है, और जिन लोगों के पास नहीं है तो सॉरी यार, देखते हैं कुछ और ट्रिक मस्त वाला मिलेगा तुमको जरूर से बताऊंगा। चलो यार वीडियो खत्म भी हो गई, तुम लोग एक लाइक कर दो और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।